वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और आज जो है क्या डिश बन रही है, बहुत ज़बरदस्त। मीठे मीठे हो जाएं आप लोग। तो शेफ शाहिना शुमाइल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बकरीद से पहले ज़रा मुँह मीठा कर लिया। अच्छा जी, डिश का नाम है महलाबिया। कोई लड़की का नाम लग रहा है मुझे तो किसी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और इतनी महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं तो क्या कहा जाए आप लोगों के लिए। यकीनन खुश होंगे, मतलब उम्मीद करती हूँ भी कहना जो है ना, अभी इस वक्त अभी लास्ट मशवरा तो दिया है ना एहसान इकबाल ने, दो कप से एक कप चाय पे आ जाएं, इससे ज़्यादा बचत कैसे हो सकती है। चलें जी कंटिन्यू करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको डिश का नाम बता दूं और डिश का थोड़ा सा मैं बता दूं कि कौन सी डिश है और किस कुजीन से बिलोंग करती है। तो डिश का नाम है महलाबिया। यस। और ये अरबिक डेजर्ट है और अरबिक में वहाँ सऊदी अरब वगैरह में और अरबिक जो है बहुत पसंद करते हैं और ये वहीं की डिश है। और मेरी कोशिश ये होती है कि सभी मैं ऐसी डिशेस लेकर आऊँ जो कम इकोनॉमिकल बजट में जो है वो। जब आपने अरबिक कहा तो मुझे बता दें कि मोती वाले में यूँ लगा के आपसे बातें कर रही होती। उनका बड़ा स्टाइल है ना, यूँ करके। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है उनका ये स्टाइल। ज्वेलरी अपने हिसाब से जो है ना वो लोग कुछ कवर्ड करके, और उनकी ब्राइड्स भी ऐसी होती हैं स्कार्फ, और वो हर मतलब जगह का एक अलग वो होता है, कल्चर होता है, और वो उसको उस हिसाब से बड़ा प्यारा प्रेजेंट करते हैं। मैं कहती हूँ किसी भी कंट्री का, किसी भी चाइनीज़ में देख लो या कहीं पर भी यूरोपियन, जैसे ब्राइडल वाइट ड्रेस है, तो मैं कहती हूँ किसी भी जगह का कल्चर जो है ना वो अपनी जगह बड़ा खूबसूरत होता है। हमारे पाकिस्तान का कल्चर हाय लोग तो इसको इतना बहुत पसंद करते हैं, और स्पेशली हमारे खानों को, हमारी कुजीन को, हमारे मसालों को। जो लोग नहीं भी खाते वो खाते हैं तो उनको बहुत अच्छा सा लगता है। तो स्पेशली फॉरेनर मेजॉरिटी चाइनीज और जो अमेरिकन है वो हमेशा फीके खाने खाते थे हमेशा ही, लेकिन जैसे ही वो हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर में इन्वॉल्व हुए, सिंध में और फिर वो पंजाब, बलूचिस्तान, सज्जी और पेशावर, हुंजा, कागन, हर जगह का उन्होंने जब ये चीज़ डेवलप किया तो उनको टेस्ट बड़ा अच्छा लगा। और अब वो भी कहते हैं आई लाइक इट बिरयानी, खास तौर पे पीएसएल नहीं होता। एग्जैक्टली, आई लाइक इट बिरयानी। मैंने कहा खा लो बिरयानी और फिर हमारे को ही नोचो तुम लोग। जो पाकिस्तान आता है वो बिरयानी खाए बगैर मेरा नहीं जाता, और जो लाहौर जाता है वो पाए खाए बगैर जो है ना वापस नहीं जाता। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, तो वो सब दूध उबल के आती हैं। अच्छा डिश का नाम है, अच्छा नहीं हम लोग डिश की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं डिश का नाम है महलाबिया। महलाबिया, और उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से होंगे, लेट्स सी, वी विल स्टार्ट। यस, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। यहाँ मेरे पास कोकोनट मिल्क पाउडर है, 1/4 कप मेरे पास कोकोनट मिल्क पाउडर है। रोज़ वाटर मेरे पास 1 टेबल स्पून है। कॉर्नफ्लोर मेरे पास 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ठीक है। और क्रीम इसमें 3 टेबल स्पून जाएगी, शुगर इसमें 5 टेबल स्पून जाएगी। ओके। और वाटर मेरे पास मौजूद है। अच्छा, 1/2 kg जो मिल्क था उसको मैंने ऑलरेडी बॉयल करने रख दिया है। इसे ज़रा आगे पीछे दिखाएंगे। ये जी ये है, ये देखें, लुक एट दिस। 1/2 kg जो मिल्क है मैंने इसको बॉयल करने रख दिया है। और बहुत सिंपल ये डेजर्ट है और बहुत मज़े का बनता है, और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और अच्छा, साथ साथ मैं इसमें जो है ना एक कैरमल का मैं इसमें जो है ना वो टेक्सचर दूंगी टॉपिंग के लिए। वैसे ये सिंपल जो इसकी एक्चुअल जो बेस है, जो रेसिपी है, वो इस तरह बनता है, लेकिन इसमें बाज़ लोग रोज़ का और बाज़ लोग स्ट्रॉबेरी का और चॉकलेट का, किसी का भी आप टॉपिंग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो फ्लेवर आपको आपको जो पसंद है, फ्रूट्स इसमें अवॉइड करें, फ्रूट्स नहीं जाते इसमें फ्रेश, लेकिन आप इसमें टॉपिंग में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, सिरप वगैरह होते हैं क्रीम में कलर डाल के, इस तरह से आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। और अभी वैसे भी आपको मैं जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि बकरीद के बाद ऑफकोर्स बकरीद पे लोग दावतें करते हैं तो मीठा तो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल में होगा तो हर कोई आपसे पूछेगा ये क्या है, तो बोलेगी मेरी छोटी बेटी महलाबिया है। हाँ, ये यूनिक सा है, खूबसूरत सा। चले जी, हम लोग क्या रह गए जी? सबसे पहले तो दूध बॉयल हो रहा था, उसके अंदर मैंने ये रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून मेरे पास मौजूद था, मैंने वो ऐड किया है। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो कोकोनट मिल्क पाउडर था उसको मैं स्पूक दे दीजिए आप मुझे सभी, इसको मैं डिसॉल्व करूँगी और फिर इसमें हम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़े से वाटर में 1/4 कप पानी, 1/4 कप मिल्क है और 1/4 कप ही हमारे पास पानी है। कोकोनट मिल्क बहुत इजीली मार्केट से, स्टोर्स वगैरह से मिल जाता है, और मिल्क पाउडर भी मिल जाता है आपको और तैयार मिल्क भी मिल जाता है। फ्लेवर क्या होता है मतलब इससे? बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, इसके अंदर कोकोनट होता है, इसके अंदर स्वीट, थोड़ा सा स्वीट
फ्लेवर होता है और मिल्क पाउडर टाइप का होता है और ये कोकोनट से ही बना है तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे ये बनता है। अगर आप ऐसे ही इसको टेस्ट करें ना तो आपको इसका फ्लेवर ओके डन। मैंने क्योंकि ये पाउडर कभी टेस्ट नहीं किया, आप इसको टेस्ट करें। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोकोनट वाटर जैसे हम नारियल का पानी पीते हैं ना, जस्ट लाइक फ्लेवर वैसा है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। ओके अच्छा, हमने यहाँ इसको डिसॉल्व किया, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल इसी तरह कस्टर्ड में भी ये होता है, हम डायरेक्ट कभी भी कस्टर्ड को पाउडर को ना डायरेक्ट उबलते दूध में नहीं डालते, वो फिर वो उसके लम्स वो जो गिटलियाँ सी अजीब सी बन जाती हैं, बहुत ही बुरी लगती हैं। अच्छा यहाँ जो है मैं कोकोनट मिल्क पाउडर जो मेरे पास था ये सारा का सारा मैंने इसमें शामिल करा है मैंने इसमें, और साथ साथ जो है मैं इसमें शुगर भी ऐड करती जाऊंगी। ओके और 5 टेबल स्पून मैंने आपको बताया था कि मैं शुगर ऐड करूंगी और इसके तो यहाँ ये 1 2 3 4 एंड देन 5 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। यस, और उसको हम थोड़ा थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। यस, ताकि जो है शुगर अच्छी सी डिसॉल्व हो जाए। बिल्कुल। और हमारा अच्छा ये जो डेजर्ट है ना सभी ये इतना यम्मी बनता है, मतलब इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, सबके घरों में ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। बिल्कुल होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। पाउडर जो है आप बैकअप पाउडर। अच्छा एक और बात, अगर आप हमें कोई भी आपकी फरमाइश है बकराईद से पहले, जैसे होता है पसंदे पेशावरी कबाब चपली कबाब या कोई भी ऐसी फरमाइश जो आप समझते हो कि हमें इस गुड मॉर्निंग विद सभी में शेफ शाइना सुमाइल जो है वो प्रेजेंट करें, तो आप हमें कॉल करके यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिश बिफोर बकराईद बनवानी है। लेट्स सी, हम लोग अपने डिश की तरफ। अच्छा डिश का जो मैं बताऊँ, चीनी जो है वो हमारी डिसॉल्व हो गई है और हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि कोकोनट और मिल्क में जो है वो फ्लेवर बूस्ट हो जाए। ठीक है। और साथ साथ जो है मैं जो है क्या करूँगी, ये जो कॉर्नफ्लोर मेरे पास मौजूद है इसको भी मैं डिसॉल्व करूँगी। अच्छा 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लेना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ ये कॉर्नफ्लोर लिया है। ठीक है, 1/2 kg में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा। वाटर मेरे पास यहाँ मौजूद है और साथ साथ जो है मैं वाटर इसमें कॉर्नफ्लोर में ऐड करूँगी। अच्छा आपको मैं बताती चलूँ कि जब भी आप कॉर्नफ्लोर बाज लो क्या करते हैं कि वो बगैर डिसॉल्व करे जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, उससे लम्स वगैरह हो जाते हैं, तो आपने हमेशा थोड़े से पानी में आप कुछ भी बनाएं, चाहे आप अच्छा नहारी भी हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम आटा हाँ करने के लिए थिक करने के लिए तो हम जो है वो यही करते हैं कि पानी में डिसॉल्व करके डालते हैं। तो आप लोग मेक श्योर इस बात का ख्याल रखा करें। देखें अब ये बिल्कुल इसमें लम्स फ्री हो गया है और हम इसको थिक करेंगे। ठीक है। अच्छा आप इसकी थिकनेस जो है वो चेक कर लिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा थिक जो हो जाता है डेजर्ट वो मेरा नहीं ख्याल के अच्छा लगता है बस तो, हाँ वो फिर ठंडा होने के बाद तो वैसे ही ऑलरेडी ठंडा होने के बाद जो है ना जितनी सॉफ्ट जैसे खीर होती है और जितनी सॉफ्ट चीज़ें होती है ना उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है बनस्बत आप हार्ड थोड़ा सा उसका टेक्सचर दे लें तो। हाँ गुड गुड, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एज कम्पेयर टू कि हम इसको ज़्यादा ये ना हम समझ रहे हैं कि हम ज़्यादा घाड़ा कर लें। पहले सभी होता था, ईद होती थी बकरीद होती थी तो शीर कोरमा वगैरह बनता था ना, लेकिन अब इतना सवैयाँ शीर कोरमा कस्टर्ड तीन चीज़ें लेकिन अब इतनी सारी डिशेस आ गई क्योंकि हम लोगों ने सारी कंट्रीज की चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करनी शुरू कर ली हैं, अलग अलग फ्लेवर्स कॉम्पिटिशन होता है। अच्छा एक डेजर्ट और बताए, उम अली। अच्छा अली भाई के बड़े भाई अली आप पुराने ज़माने में ना ये होता था सभी के जो ख़वातीन होती थी ना उनको उनके नाम से नहीं पुकारा जाता था ना, उनको उनके बेटों के नाम से पुकारा जाता था। तो ये मुझे इनकी लतीफ़ याद आ गया पुराने ज़माने में, सही कह रही नाम नहीं ले रहे थे एकदम। एक बार किसी ने मुझे जो सुनाया मेरा दिल कर रहा सुनाओ ना, वो कहीं दूध में ना वो उनके अब्बू का ना कोई मक्खी सिंह था ना, तो वो कहीं दूध में गिर गया था। अल्लाह अप्पा तुम्हारे दूध में कुछ गिर गया? हाँ मुन्ने के अप्पा गिर गए, नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो वो मक्खी सिंह जो है ना वो पानी में गिर गए, तो मसले के वो नाम गिर क्या गिर गया, वो गिर मुन्ने के अब्बा तैर रहे तो ये शर्म थी उस वक्त उनने के अब्बा दूध में तैर रहे। चले जी हम कंटिन्यू करें। हाँ वो पुराने दौर में क्या निकले थे नाम नाम जो है वो ये मैं कॉर्नफ्लोर में मैंने शामिल किया, ऐड कर दिया।
साथ साथ देखिए ऐसी और जब औरतें सॉरी औरतें बोल ली गलत बोल दिया जब बहुत सारी लेडीज जमा होना तो फिर इससे गॉसिप होते हैं। घर में भी अगर आप एंटरटेन होना चाहें स्ट्रेस से तो एक दो लोगों को बुला के कुकिंग किया करें, बड़ा मजा आता है। लेट्स सी हम लोगों ने कहां तक चले। अच्छा देखिए आप इसकी थिकनेस चेक करें, कॉर्न फ्लोर डालते ही ये हो गया है। अच्छा हनी कोई कलर नहीं है इसको, ओरिजिनल कलर छोड़ना या हम इसमें कैरामल बनाएंगे ना? ठीक ठीक अभी हम कैरामल बनाएंगे, अभी ये बस हमारा कंप्लीट हो गया है, हम इसको ठंडा करेंगे और कैरामल बनाएंगे, फिर लास्ट में इसकी टॉपिंग कर देंगे। क्या बात है, इसे अभी इसको कितनी अभी हम इसको 5 मिनट से कुक करेंगे ना। अच्छा डिश का नाम बता रही थी ना, भूल गई, उम अली का बता रही थी मैं, तो उम अली बेसिकली मुझे ये डिश याद क्यों आई क्योंकि सेम यही प्रोसेस होता है उसका और महलाबिया बनाते बनाते मुझे उम अली याद आ गई। अच्छा उम अली ये होता है कि पुराने ज़माने में ना एक बादशाह था और वो बहुत ज़ालिम बादशाह था और उसकी जो वाइफ थी ना तो उनके बेटे का नाम अली था, तो उनकी जो वाइफ थी ना वो उम अली के नाम से मशहूर थी, यानी कि अपने बेटे के नाम से मशहूर थी, उम अली कहा जाता है। अच्छा। तो वो बादशाह बहुत जालिम था तो वो अपनी फैमिली के साथ भी जो है ना उसका रवैया अच्छा नहीं था। जब उसका इंतकाल हुआ ना, यानी कि जब वो मरा वफात पाया, तो उनकी जो वो थी मलका थी उन्होंने खुशी में जो है ना ये बोला कि नहीं आप ये डेजर्ट बनाएं, और वो फिर उस दिन उन्होंने डेजर्ट बोला कि ऐसा मीठा बनाया जाए जो कभी किसी ने ना बनाया हो और कभी किसी ने ना खाया हो, तो ऐसा मीठा बनाया जाए, तो फिर वो मीठा बना और फिर उस दिन से उस जो है ना वो डेजर्ट का नाम उम अली रख दिया गया। उसमें क्या चीज़ें डलती? उसमें सेम यही जिस तरह महलाबिया बनाया हमने इस तरह, ये हमारा महलाबिया तकरीबन, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर बताती हूँ। श्योर श्योर। अच्छा ये तकरीबन हमारा सब कुछ इसमें कंप्लीट हो गया, ये लास्ट में क्रीम थी मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसमें ये तकरीबन हाफ क्रीम मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये मैंने हाफ क्रीम इसमें ओके ऐड कर दिया, ठीक है। यस हाफ क्रीम मैंने अब कैरमल क्रंच के लिए यूज़ करनी होगी, ठीक है, डन हो गया। अच्छा इसको हमने अच्छे से मिक्स किया और ये थिक हो गया है बिल्कुल, ओके। अच्छा कुछ चीज़ें मैं बताऊँ, ये जो आइसक्रीम किशमिश और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कोइंसिडेंट जो है क्रिएट हुई हैं उसके बाद उस पर वर्क हुआ है, लाइक सुना था कि भाई किसी ने बहुत सर्दी थी तो किसी ने बाहर जाके दूध और पानी कहीं रख दिया तो जम गया था, तो उन्होंने उससे एक बर्फ की एक फ्लेवर सा आ गया, फिर वो उसको और क्रिएट किया, किसी ने शुगर ऐड कर दिया, किसी ने फ्रूट ऐड कर दिया, कुछ जूस ऐड कर दिया, तो वो एक कुल्फ़ी और जैसे वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ना, तो इसी तरह कोल्ड ड्रिंक का भी इसी तरह हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक अल्लाह पाक की तरफ से कुछ नेचुरली क्रिएट हुई लेकिन उसके बाद उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है तो वो को जैसे किशमिश को अगर आप रख लिया जाए तो वो सूख जाती है, तो उन्होंने कहा कि इसे बाद में भी ड्राई फ्रूट के तौर पे अंगूर जिसे कहते हैं हम लोग जैसे रख देते हैं तो वो फिर ड्राई फॉर्म में भी काफ़ी टाइम तक यूज़ होता है। इस तरह खुबानी है आप देख रख दें तो वो पहले तो हम करते हैं लेकिन फिर ड्राई में भी उसे खा सकते हैं, दोनों फॉर्म में खा सकते हैं। अच्छा जी ये तकरीबन हमारा जो महलाबिया डेजर्ट था वो कंप्लीट है, इस पे टॉप गार्निशिंग में हम पिस्ते ऐड करेंगे। अच्छा इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे लेकिन अभी हम इसको ठंडा करने रखेंगे। महलाबिया का मैं बता रही थी सेम यही तरह उसका सिरप इस तरह से जो है वो बनता है, ठीक है, और उम अली का बता रही थी, और पफ पेस्ट जो होते हैं ना पफ पेस्ट तो वो इसके अंदर जिससे हम पेटीज बनाते हैं तो उसके आप कट्स करके शेप में आप उसकी शीट्स बना लेंगे ना किसी दिन, इंशाल्लाह 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 बना लेंगे इंशाल्लाह। इसे अभी हम थोड़ा ठंडा करके इसके अंदर हम टॉपिंग भी आपको दिखाएंगे जी, हम लोग ब्रेक ले लें अब कुछ खाने बनाने कुछ नहीं ब्रेक ले लें पहले क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं ये क्या बना रहे हो, ये कैरामल टॉफी तो बनाए ना आप, अगर है तो बनाए इसे, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर हमने कैरामल बनाने का तरीका आपने सबने ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम है, अच्छा सभी मैं छोटी से छोटी चीज़ इस कोशिश करती हूँ मैं इसलिए बताऊँ कि जो हमारी आंटीज़ वगैरह हैं वो तो माशाल्लाह इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो सब कुछ कर लेती हैं, जो हमारी मम्मीज़ हैं आंटीज़ हैं, लेकिन जो हमारी बिगनर्स होती हैं ना तो वो जो लर्निंग, अच्छा ज़्यादातर जो बिगनर्स लड़कियाँ होती हैं तो वो जो है मतलब इस कुकिंग की तरफ उनका रुझान होता है, माइंड होता है, इंटरेस्ट होता है, या वो लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली होती हैं तो उनको अब ये होता है कि हम कुकिंग स्किल्स लें, तो छोटी से छोटी टिप मेरी बार बार जो है वो बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उन लड़कियों को उनको मेरी उन बहनों को उनको फ़ायदा हो ताकि वो चले। अच्छा कुकिंग से ज़्यादा है कि आप बहुत जल्द एक कुकिंग कॉन्टेस्ट होने जा रहे हैं ग्लैम गैस की जानिब से और ऑफकोर्स उनके लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिगेस्ट प्राइस फ्रॉम ग्लैम गैस, तो आर यू रेडी ग्लैम गैस की जानिब से
कुकिंग कॉन्टेस्ट यानी कि खाने पकाने का मुकाबला। तो आप लोग रेडी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन विद अस। नंबर है 03158248704। तो एक बार फिर मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि ग्लैम गैस की जानिब से कुकिंग कॉम्पिटिशन, यस, और ग्लैम गैस आपको देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड बिगेस्ट गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है कैश प्राइस के साथ। तो आर यू रेडी विथ मी? ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विथ सभी में कुकिंग कॉम्पिटिशन इज रेडी। तो फौरन नंबर पर रब्ता करें 03158248704। लेट्स सी, हम चलते हैं शेफ चाइना शुमे। अच्छा, कैरमल बनाने के लिए आपने शुगर लेनी है, ठीक है। मैं 100 ग्राम यहाँ शुगर ऐड कर रही हूँ और ये मेरे पास 100 ग्राम यहाँ शुगर है। विदाउट एनी ऑयल? विदाउट एनी ऑयल। आपने पैन गरम करना है। Yes. That's it. शीरा तो बना रही हूँ, कैरमल बना रहे हैं हम। okay, और हम इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे। ओह माय गॉड, ठीक है। और मुझे याद आ गया, वो जो वो नहीं होता, हम लोग अगर किसी फेस्टिवल में जाए ना, वो चीनी कलरफुल होती है, वो गुड़िया के बाल ऐसे घुमा के कॉटन से बनती है। जी, इसी से बनते हैं वो। हम लोग बोलते गुड़िया के बाल कॉटन, बड़ी मजेदार होता है, बहुत मजेदार होती है। और वो जितना वो यूं यूं गोला बनाता जाता है और इतना मजा आता है उसे फिर खाने में, पूरे आप उसमें घूमते रहे और वो खाते रहे खाते रहे, और इतनी अच्छी मतलब लगती है वो। अच्छा, अब तो उसकी मशीन वगैरह भी आ रही हैं और घरों में छोटी छोटी सी स्मॉल साइज की भी। और अक्सर वो पार्टीज जो होती है ना, बर्थडे पार्टी, उसमें भी वो लोग बच्चों के वादा इनवाइट कर लेते हैं उन लोगों को कि वो बच्चों के लिए वो ये जो बनाते हैं ना। क्या ख्याल है, किसी दिन गुड मॉर्निंग में सभी में बनाया हम कॉटन कैंडी? श्योर, बिल्कुल। और बहुत सारी पॉपकॉर्न बनते हैं, पॉपकॉर्न बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो घर में भी पॉपकॉर्न, वो जो एक ऐसा ही पॉट होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा वो सॉल्ट, और फिर और अच्छा कुछ फ्लेवरिंग ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग भी करते हैं, फ्लेवरिंग बटर ऐड कर लें, बटर है या चीज है, वो बड़े मजे का बनता है। इस गूगल ने हम लोग सबको ना गूगल कर दिया, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। पहले नहीं थी इतनी अवेयरनेस, पहले लोग सिर्फ इंस्टीट्यूट जाते थे और सीखते थे, और अब तो माशाल्लाह गूगल है। अब जैसे कुकिंग डिफरेंट शोज हैं, किसी को एड्रेस नहीं मिल रहा तो हम कहते गूगल बाबा से पूछ लो ना। पता है लास्ट कल सेट लास्ट डे की बात है, मेरा बेटा ना मोबाइल में स्पीक गूगल पे सर्च करे मम्मा का शो आ जाए। मैंने कहा अच्छा, वो कह रहा होगा मम्मा का शो आ जाए। मैंने कहा गूगल ने भी सर पकड़ लिया होगा यार, वो भी सोच रहा होगा ये कहां से लोग उसको ये, वो वैसे उसको ये पता होगा, वो आगे से बोले पाकिस्तानी इंसान बन जाओ, क्या क्या करवाते हो मुझसे। अच्छा, गूगल जिन बोलना चाहिए। हां, गूगल जीत नहीं सकता वैसे हम पाकिस्तानियों से, जिन लिटरली। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा गूगल सोच रहा होगा मैं कहां फंस गया। अच्छा देखें, ये कैरामल बन गया है हमारा। Yes. और तकरीबन ये बस 1 से 2 मिनट में हमारा कैरामल तैयार होगा। आपने इसको जलाना नहीं है। Okay. जब ये इस तरह से मेल्ट होने लगेगा ना, yes, तो yes, आपने yes. इसको चीनी को हम जलाते हैं, कैरामल को हमने नहीं जलाना। जब ये कैरामल की फॉर्म आने लगेगी तो आपने इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। wow. और ये देखें, ये इस तरह से कैरामल बनता है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये हमारा कैरामल एक धार बन गई, बिल्कुल ये धार निकल गई। यस, ये कैरामल बन गया है। और मैं इसके इसको अगर आप कैरामल टॉफी बनाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें क्रीम को ऐड कर देना है। अच्छा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ठीक है ठीक है, तो हमने यहाँ क्रीम को ऐड करा। यार क्या क्या जबरदस्त यार, ये चीजें मुझे भी मुझे सीखने का मौका मिल गया। वाओ, ये बना हमारा लाइव कैरामल टॉफी। ये हमारी रेडी हो गई है, ठीक है, और चूल्हा हमने बंद कर दिया है, और उमली हमारा रेडी है। ब्रेक लेते हैं, उसके हम इसको डिश आउट करते हैं और ऊपर से हम इसमें टॉप गार्निशिंग में पिस्ते यूज करेंगे। डन है जी। नाज़रीन, हम लोगों ने अभी लेनी है ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ शाइना शुमाई।